जी यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम, तकरीबन इशा से पहले का टाइम हो रहा है, मगरिब के बाद का टाइम हो रहा है, और नबीहा गई हुई है यहाँ पे जी रोटियाँ लगवाने, और यहाँ पे हमारे सामने ही बिल्कुल घर के तंदूर है। तो ये जहाँ पे मैं बना रही हूँ वीडियो, ये हमारा घर है और साथ बीच में एक दुकान है और आगे तंदूर है। तो नबीहा को कोई इतना शौक है हर काम का, इतना ज़्यादा शौक है ना हर काम का, अब यहाँ पे खड़ी खड़ी वो रोटियाँ बना रही है, साथ जैसे वो तंदूर वाले अंकल को देख रही है रोटियाँ बनाते हुए, साथ वैसे ही रोटियाँ बना रही है। हर काम को इतना जल्दी वो समझ जाती है कि ये काम इस तरह करना है, ये इस तरह करना है। तो यहाँ पे अब इसको बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है तंदूर पे रोटियाँ लगाने का, लेकिन मैंने इसे कहा भी तो तुम बहुत छोटी हो, इतने बड़े बड़े काम ना किया करो। लेकिन बस यही है कि जो बच्चे होते हैं ना वो घर के हालात और ऐसी चीज़ें देख के तो काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं। तो हमारे जो बच्ची है नबीहा, माशाल्लाह से अभी से ही इतनी मेच्योर हो गई है, इसको देख देख के अफसोस भी होता है और कभी ये भी होता है कि चले मेहनत करने वाला जो इंसान होता है, अल्लाह पाक उसकी जो मेहनत होती है कभी रायगा नहीं जाने देता और उसको कहीं पे भी कोई परेशानी वगैरह नहीं होती। बच्चों को मेहनती भी होना चाहिए और उनके अगर उनके अंदर लगन भी होनी चाहिए हर काम करने की, सीखने की। तो माशाल्लाह से मेरी नबीहा में तो ऐसा ही है कि हर चीज़ को करने का सोचती है और बहुत अच्छी माशाल्लाह से ज़हनियत है उसकी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ अपने ब्लॉग का हम करते हैं आगाज़। तो जी यहाँ पे हो रहा है दोपहर का टाइम और मैंने बनाई है चाय, तो अभी पीते हैं यहाँ पर चाय। और मैं चाय बना के और पी के हटी ही थी कि हस्बैंड आ गए और साथ अपने वो लेकर आ गए बहनोई को, और ये जो हमारा कूलर था इसके अंदर जो पंप लगा हुआ होता है पानी वाला, तो वो पंप जो था वो ख़राब हो गया था, ये जो लोड शेडिंग वगैरह हो रही है उसकी वजह से। तो फिर वो उनको लेकर आए कि ताकि ये बनवा लेते हैं, क्योंकि गर्मी जो है गर्मी ने तो अभी अपना कमाल दिखाना ही है। तो फिर उनके लिए मैंने यहाँ पे दोबारा चाय बनाई। तो ये कूलर जो है ये आयशा का है, तो मेरा कूलर तो माशाल्लाह से सही ज़बरदस्त चल रहा है, बस इस कूलर का जो है पंप ख़राब हो गया था। और पंप के अलावा तो ये पंखे भी, ये कूलर भी ऐसे गर्म हवा देते हैं, तो ये जो इनके बहनोई हैं हस्बैंड के, ये काम करते हैं इनका ही। यहाँ पे पंखा जो है सही हो गया, क्योंकि लोड शेडिंग जो हुई थी ना पिछले दिनों, तो उसकी वजह से पंखों में इतना कोई मसला आ गया था बहुत ज़्यादा, इसके अंदर जो होता है अपना पंप पानी वाला, जो पानी ऊपर नीचे आता, तो वो गया था जल। तो अब इसके अंदर दोबारा लेके लगाया, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तो हैं बारिशें, दो तीन दिन बारिशें और उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी है, जबकि मैंने वेदर देखा है तो उसके बाद फिर शदीद गर्मी है। तो अभी इसलिए हमने ये जल्दी से पंखा सही करवा लिया है, क्योंकि आगे जब गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और माशाल्लाह से हमारा पंखा जो है वो तो ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से। तो अभी हम नीचे ही आजकल सो रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो बारिशों की वजह से रात में भी बारिश होती रहती है, तो अब आजकल नीचे ही बिस्तर हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने कल कपड़े धोए थे सारे, तो बारिश की वजह से मैं दिखा ही नहीं सकी, धोना धाना बारिश हो गई थी। यहाँ पे सारे अभी ऐसे ही लटकाए हुए हैं, और किचन जो है हमारा नीट एंड क्लीन हो गया। अभी मैंने बच्चों से मंगवाए हैं उपले, क्योंकि उपले हो गए थे ख़त्म। तो ये देखें जी, ये हैं उपले जिनको हम जला के रोटी बनाते हैं। गैस से तो अच्छा नहीं है, लेकिन यह है कि इससे थोड़ी बचत हो जाती है। आज मुझे इतनी कोई खुआरी हुई ना इसको चलाने में, इतना टाइम लग गया, कभी कभी तो ये चूल्हा इतना ज़्यादा तंग करता है कि बहुत ज़्यादा। और अगर लाइट ना हो तो लाइट के बगैर तो वैसे ही ये चलना नामुमकिन है। ज़ारा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नबीहा आ गई है, रोटी नहीं लगवाई अभी। दो प्लेट दे दो सारे रोटियां। रोटियां जो है यहाँ पे लग के आ चुकी हैं। हमारे यहाँ पे सामने जो है तंदूर का बड़ा ही कोई हमें ना सहूलत है, बहुत सहूलत हो गई है, क्योंकि इस चूल्हे पे रोटी जो है इतनी अच्छी नहीं बनती। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आटा गूंद के और पेड़े बना के दे देती हूँ, तो यहाँ तंदूर पे से लगवा लेते हैं तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आज तो सालन भी मैंने इसी से ही मंगवाया है, और माशाल्लाह से इतना कोई अच्छा सालन बना हुआ होता है, ऐसा होता है जैसे घर का सालन हो। तो अभी खाना खाते हैं। दोबारा सलाम जी, आपने खाना खाना है तो यहाँ पे जी हो रही है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये दोपहर का टाइम हो रहा है। सुबह नाश्ता जी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हस्बैंड अक्सर ही फ़ोन मेरा लेकर चले जाते हैं,
जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सकती, वो फ़ोन उठाकर और लेकर कारखाने चले जाते हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई वीडियो बनाने में परेशानी होती है और लगातार मैं वीडियो भी नहीं बना सकती। और यहाँ पे हसीम मुईज़ जो हैं जा रहे हैं मदरसे, इनके वाइट सूट जो थे वो इन्होंने कर दिए थे मैले, तो आज फिर ये कलरफुल में ही जा रहे हैं मदरसे। वैसे तो ये वाइट में जाते हैं, तो कल मेरी थोड़ी तबीयत सही थी रात को जिसकी वजह से मैं वो धो भी नहीं सकी कपड़े, तो बस आज फिर ये कलर वाले कपड़ों में ही जा रहे हैं। और यहाँ पे आज मंगाया है नीम, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे इतनी ज़्यादा अलाइयाँ और दाने वगैरह हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें इनको थोड़ा सा पिलाते भी हैं और इनको थोड़ा सा इनके चेहरे पर जिस्म पर लगाते हैं। ज़ारा की भी एलर्जी में क्या पता शायद फ़र्क पड़ जाए, तो इनको लगाया मैंने। तो जी यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और मैं आई हूँ थोड़ा छत पर, क्योंकि नीचे बैठ बैठ के भी बोरियत हो जाती है। मैं आज कर रही थी सिलाई, कपड़े थोड़े से रह रहे थे, थोड़ा थोड़ा काम सिलाई का जो रह रहा है वो इंशाल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और अभी मैं थक गई थी और नीचे इतनी ज़्यादा कोई गर्मी और ना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर वेदर देखते हैं मौसम के कैसा है। तो यहाँ पर अभी हो तो रही है धूप, लेकिन फिर भी नीचे से जो है थोड़ा सा अच्छा है माहौल यहाँ पर। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी सी बातें शातें करेंगे, थोड़ा सा हवा को एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर नीचे चलेंगे और शाम का खाना वगैरह बनाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक शेयर भी कर दिया करें हमारी वीडियो और फुल वॉच किया करें। यहाँ पर लिए थे हमने उपले, तो उपले जो थे बारिशों की वजह से सारे ही गीले हो गए थे हर जगह, तो उपले हमें मिल ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से ये मिले। तो ये भी उपले जो थे सारे गीले थे, तो ये रात सुबह मैंने ये ऊपर छत पे डलवा दिए थे और मिले भी बहुत ही थोड़े से थे, ये थोड़े से उपले थे। तो अब देखें एक दो दिन के बाद और मिलते हैं क्या होता है। अच्छा, बारिशों में ये बड़ा मसला हो जाता है, उपले सबके ही गीले हो गए जहाँ जहाँ से लेते हैं। तो ये एक जगह से ही हमें मिले थे और ये भी इतना धुआँ कर देते हैं घर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि गीले जो होते हैं। तो अब शायद ये सूख गए, अभी इनको इकट्ठा करते हैं और नीचे लेकर चलते हैं। नभिया बेटा इनको थोड़ा इकट्ठा करो, क्योंकि अब छांव हो गई है और अब शाम का खाना वगैरह बनाते हैं। इकट्ठा कर लो इनको, उस बोरे में डाल दो। कौन वो उस बोरे में, इधर बोरा था ना ऊपर जिसके अंदर था ये। हाँ जी, यहाँ पे बोरी है तो इसके अंदर ये डाल दो, क्योंकि हो सकता है बारिश हो जाए और फिर ये दोबारा से गीले हो जाएँ। तो बस काम काज जो है हमारे इसी तरह ही चल रहे हैं। अभी ये कहाँ से लिए थे? ये जहाँ से अच्छे उपले मिलते हैं ना उनके पास से हमें मिले ही नहीं। वो वहाँ पर ना सारे उपले गीले हो गए थे, तो फिर उन्होंने कहा है अभी हम नहीं भेज रहे, सूख जाए तो फिर हम भेजेंगे, अभी आप कहीं और से ले लें। वैसे तो ये घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, खुला भी है, सुकून भी है, इसमें हवा भी सही लगती है, लेकिन बस सिर्फ जब गैस और खाने पकाने का टाइम आता है तो उस घर की इतनी याद आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गैस था जिसकी वजह से रोटी सालन वगैरह सब कुछ अच्छा बन जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है, पहले आग जलानी पड़ती है, उपले मंगाने पड़ते हैं, तो बड़ी टेंशन होती है। इस वजह से वो जो पुराना घर है उसकी इतनी ज़्यादा कोई याद आती है ना, बहुत ज़्यादा। तो बाकी वैसे सही है, शुक्र अल्लाह पाक का कि रहने की सहूलत अच्छी है, लेकिन खाने पीने का मसला होता है थोड़ा। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपना घर दे, उसके अंदर हम अपने तरीके से हर तरह की सहूलत करें। अब यहाँ पे जो है इस इलाके में गैस नहीं है, तो अल्लाह पाक हमें अपना ऐसे इलाके में घर दे जहाँ पर गैस भी हो, हर चीज़ की सहूलत हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी दुआ कर दीजिएगा और आमीन कर दीजिएगा, जिस जिस के पास भी अपना घर नहीं है, जो भी रेंट पे है इस टाइम पे, अल्लाह पाक सबको अपने ख़जाने में से अपना घर दे और हमें भी अपना घर दे। तो हमारा आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज़ के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।